नमस्कार, इसमें नेशन न्यूज़ की टीम नेशनल हाईवे कालका हाईवे रोड पर है। ये देखें, यहाँ का जो नेशनल हाईवे रोड है यहाँ पर हैं। आप देखें, जो हिंदुस्तान के जो किसान हैं, किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, इन्होंने ये देखें बिल्कुल यहाँ हमारा जो ट्रैक्टर, जो ये ट्रैक्टर हैं किसानों ने यहाँ पर, यहाँ हमारा टोल टैक्स कटता था। जैसे हमने हिमाचल में यहाँ से आगे जाना है, यहाँ से आगे परमाणु जाना है, यहाँ हमारा टोल टैक्स लगता था, परंतु यहाँ से किसानों ने अपने जो ट्रैक्टर हैं, किसान मजदूर आड़ती एकता जिंदाबाद, इस प्रकार ये जैसे लिखा है, बिना फास्ट टैग, ब्लैक लिस्ट टैग, कम बैलेंस टैग वाहन होने पर दोगुना शुल्क जाएगा। इस प्रकार ये देखें, जो हिंदुस्तान के जो किसान हैं, उन्होंने जो अपने ट्रैक्टर हैं, ट्रैक्टर यहाँ जहाँ जो हमारा टोल टैक्स कटता था, टोल टैक्स के आगे अपने ट्रैक्टरों यहाँ लगा दिए हैं, और पूरा टोल टैक्स और अपनी ये सब्जियाँ यहाँ रखी हुई हैं, और बिल्कुल यहाँ टोल टैक्स बंद कर दिया है। और देखें, इस यहाँ से जितनी भी गाड़ियाँ गुजरती थी, परंतु जो ये यहाँ के जो किसान हैं, किसानों ने अपने ट्रैक्टर बिल्कुल यहाँ बीच में लगा दिए हैं, अब यहाँ किसी भी प्रकार का टोल टैक्स नहीं है। नमस्कार जी, कब से नहीं ले रहे टोल टैक्स? टोल टैक्स कब से नहीं ले रहे हैं? सर, 24 तारीख का बंद था, 24 नवंबर तो है जी, 24 नवंबर तो बंद था जी। नहीं, एक किसानों ने कब से किया बंद यहाँ पर? 24 नवंबर से आज तक तो आपने खोलने की कोशिश नहीं की यहाँ इसको? नहीं, ये तो ऊपर गवर्नमेंट का ऑर्डर आई। अच्छा, बंद रखो इसको। अच्छा, किसानों ने अपना सारा रखा हुआ ना? सारा कुछ का। अच्छा अच्छा, जैसे दिल्ली से हुकुम मिल रहा है उनको वैसे काट रहे हैं। सारे हिंदुस्तान के टोल टैक्स सारे बंद है ना? सारे बंद है। नहीं, सारे नहीं बंद जी। हाँ, यूपी से शायद खुले आगे। अच्छा जी, इधर बंद है सारे, पंजाब हरियाणा भी बंद है। ये जो कालका हाईवे वाला ये बंद है? ये बंद है। अच्छा अच्छा, हिमाचल एंट्री है। सर, आपका नाम क्या? मेरा नाम करणजीत है जी। ये देख, करणजीत सिंह जी, यहाँ पर हमारे टोल टैक्स होता था, यहाँ से टोल टैक्स की पर्ची कटती थी, परंतु किसानों ने बिल्कुल यहाँ बंद कर रखा, बंद किया हुआ है, ये ट्रैक्टर यहाँ लगाया हुआ है। ये देखें, यहाँ पर्ची कटती थी यहाँ पर, ये यहाँ टोल टैक्स, यहाँ किसानों ने ये सब्जियाँ यहाँ खिलारी हुई हैं, रखी हुई हैं, ताकि यहाँ से कोई किसी प्रकार का टोल टैक्स सरकार को नहीं, यहाँ टोल टैक्स की पर्ची कटती थी, टोल रेट्स तक यहाँ पर सारा, मैं भी किसान, किसानों ने टोटली यहाँ पूरा बंद कर दिया है। और आज तक जितनी भी वाहनें हैं जो आ रही हैं यहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट, यहाँ मुफ्त में यहाँ पर किसी प्रकार का टोल टैक्स नहीं काटा जा रहा है, और यहाँ से गाड़ियाँ शिमला को या फिर कालका परवाणु, यहाँ से पूरी गाड़ियाँ यहाँ से जा रही हैं। इसे लोग, किसानों ने अपने ट्रैक्टर यहाँ पर, जहाँ की पर्ची कटती थी, यहाँ रखे हुए हैं। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया हिमालय एक्सप्रेस लिमिटेड, यहाँ से यहाँ हमारी ये पर्ची 30 रुपये की यहाँ कटती थी, परंतु ये सारे किसानों ने बिल्कुल बंद कर दिया है। ये देखें, यहाँ पर पूरा सुरेंद्र सिंह राणा, कैमरा पर्सन विजय कुमार के साथ, नेशनल हाईवे से देखते रहिए नेशनल न्यूज़।